हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स कृष्णा देवतपाल ब्लॉग चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत 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 बधाई और शुभकामनाएं। तो आज नवरात्रों का फर्स्ट डे है, पहला नवरात्रा है। तो किस किस ने नवरात्र रखे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने तो अभी फ़िलहाल नहीं रखे हैं, बाकी माता रानी जैसे करवाएगी वैसे हम कर लेंगे। तो बस आज मैंने मॉर्निंग में उठी थी, सॉरी बट मैं शेयर नहीं कर पाई आप लोगों के साथ। तो ये व्लॉग जो है मैं शूट कर रही हूँ, टाइम हो चुका है 4:15 या 4:15 या 4:30 का आसपास का टाइम है। तो बस अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को उठाऊंगी, मंदिर को खोल के अपना लड्डू गोपाल जी को उठा के उनको चाय तो नहीं पिलाती, खैर मैं दूध ही देती हूँ, तो दूध का भोग लगाऊंगी, उसके बाद चाय पीऊँगी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी आइज़ लग रहा होगा कि मैं सो के उठी हूँ, तो फ्रेंड्स मैं सच में सो के उठी हूँ। और नींद तो नहीं आई, मतलब नींद आई थी, थोड़ी ही आई थी, बट फिर भी मतलब जो थकावट होती है ना काम करने के बाद, वो आइस में उतर के आ जाती है। तो किन किन लोगों के साथ ऐसा होता है ज़रूर बताइएगा। तो और मैंने जाना है मार्केट और लेके आना है कुछ सामान। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे मिलूँगी अभी थोड़ी ही देर में रेडी होके। और जब मैं जाने लगूँगी तब अगर हो सकेगा तो मैं आपके साथ वो क्लिप भी ऐड करूँगी जहाँ से मैं जो सामान है वो लूँगी। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा मेरे व्लॉग में मेरे साथ। अभी देखिए, बच्चे मेरे देख रहे थे कार्टून, देख रहे थे कार्टून तो नहीं देख रहे थे, ये देखते हैं अमित, क्या नाम है इनका, अमित करके ही कोई यूट्यूबर है, तो उनका प्रोग्राम ये देखते हैं, अनबॉक्सिंग वीडियो बनाते हैं, ये राजस्थान के हैं, तो अच्छा वीडियो बनाते हैं तो बच्चे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली ना क्या है, ये इधर आपको मैं दिखाऊँ, ये देखिए इन्होंने सारी चद्दर को ऐसे समेटा हुआ है ना, इतनी अच्छा बना देते हैं ना घर को, ये देखिए घर को ये इतना अच्छा बना देते हैं कि भाई दोबारा मुझे मन ही नहीं करता कि मैं इसको ख़राब करूं, क्योंकि मैं तो ख़राब करती हूं, वो ठीक करके जाते हैं। क्या है, काम 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 ही काम, एक तो शरीर ऐसा हो जाता है काम करने के बाद टूट सा जाता है, और उसके बाद अच्छा सा नहीं लगता है कुछ, कि मन नहीं करता है कि कोई काम करें हम। और फ्रेंड्स, ये पीछे जो दिखाई दे रहा है ना, मैंने आपके साथ इसका जो मैंने हॉल अपना टूर करवाया था उसमें इसको शो किया था, जो कि मैं इस वीडियो में भी आपको बता दूँ, ये मैंने लिया था अमेज़ॉन से। तो अमेज़ॉन पे आप 3D मिरर करके आप इसको सर्च कर सकते हो, और ज़्यादा रेट का नहीं है, बहुत ही कम रेट का था, इस वजह से मैंने इसको मंगा लिया। दिखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है, देखिए मिरर है, ये सारी मिरर है, ये मिरर है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना ये ये ना एक्चुअली मेरा ब्रदर है जो वो लेके आया था, तो दिवाली पे उसने लगाया था, तो थोड़ा सा ये हल्का सा ये गत्ते का बना हुआ है, तो वो गत्ता ना हल्का सा क्रैक सा हो गया था, मीन्स थोड़ा सा पानी लग गया था उस पर, तो पानी की वजह से ना वो थोड़ा सा गीला हो गया था, तो उसने साइड में रख दिया था इसे। तो अब मम्मी के घर में चल रहा है काम, तो मम्मी ने मेरे लड़के के साथ इसको भेज दिया, क्योंकि वो रहने गया था एक दो दिन के लिए, तो मम्मी ने कहा ये धूल मिट्टी में ख़राब हो जाएगा, इसको तू ले जा। तो देखिए मैंने इसको यहाँ डेकोरेट कर लिया है, कितना प्यारा लुक दे रहा है, देख सकते हैं आप कितना प्यारा लुक दे रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको जैसे कि पता ही है हमारे घर में आने वाली है शादी, तो शादी की जो शॉपिंग है वो अभी फ़िलहाल कुछ हुई है कुछ नहीं हुई है, तो बस अभी चल ही रही है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरे घर का मंदिर, मैंने कहाँ उसको प्लेस किया है और उसका डेकोरेशन मैंने कैसे किया है, तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं मंदिर मेरा मैंने इस साइड लगा लिया है, जो कि मेरा इस दीवार पर था, और यहाँ जो है ये जो टीवी ट्रॉली थी वो यहाँ पर थी, बट क्या हुआ ना मेरे यहाँ पर से आपको अगर शो हो रहा होगा, ये देखिए दिख रहा है सीलन आ रही है, देखिए ये मेरी किचन की सीलन है और यहीं पर मंदिर था, तो इस वजह से मुझे ठीक नहीं लगा और मैंने यहाँ पे इसको
स्थापित कर लिया अपने मंदिर को, आप देख सकते हैं। और ये जो डेकोरेशन है ये सारी मैंने कल के ही दिन में करी है, क्योंकि आपको पता ही है मुझे डेकोरेशन का बहुत ज़्यादा शौक़ है, अपने ही माइंड से मैं करती हूँ। तो ये जो दो चौकियाँ आपको दिख रही हैं दोनों लकड़ी की हैं, और ये बिल्कुल प्लेन थी, तो इस पर मैंने मंदिर पर कवर किया था, मीन्स कवर चढ़ाया था। ये गोल्डन कलर का पेपर है, तो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ और लाइट जला के भी दिखाऊँगी। तो ऐसे मैंने ये देख सकते हैं पूरे मंदिर को मैंने गोल्डन पेपर के साथ कवर कर दिया है। ये मेरे कान्हा जी की चौकी है, इस पर मेरे कान्हा जी का बैट, उनकी गैया और उनका जो सिंहासन है वो रखा हुआ है। और यहाँ पे माता रानी की मैंने जो गायें हैं और उनका श्रृंगार वगैरह रखा है, जो कि आज पहला नवरात्रा है इस वजह से। तो फ्रेंड्स अब हो चुकी है शाम, तो मैं जला देती हूँ लाइट। तो आप देख सकते हैं लाइट में मंदिर का लुक। फ्रेंड्स ये जो ड्रेस आप देख रहे हैं कान्हा जी की, ऊपर चोली है और ये नीचे जो उनका घेर है, तो मैंने सोचा क्या घेर के समय, क्योंकि ये थोड़ा सा जो क्या बोल सकते हैं फेस्टिवल लुक वाली ड्रेस है, तो मैंने सोचा आज फर्स्ट नवरात्रा है तो क्यों ना मैं अपने कान्हा को अच्छे से सजा दूँ। तो ये ड्रेस मेरे जो भाई हैं वो खाटू श्याम जी से लेके आए हैं, तीन ड्रेसें इनके लिए बहुत अच्छी अच्छी आई हैं, तो मैंने सोचा चलो फर्स्ट नवरात्रा है आज, इन्हीं से इसी को पहनाया जाए। तो अभी मेरे कान्हा जी देखिए सो रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, तो मैं इनको उठाऊंगी और भोग लगाऊंगी दूध का। अभी ये सो रहे हैं, और यहाँ जो है मेरा मंदिर है, मंदिर आप देख सकते हैं, इस पर मैंने LED लाइट लगाई है। क्या हुआ ऐसे क्यों लेटा है, है? चादर ओढ़ के क्यों लेटा हुआ है, क्यों ऊपर से कूदा था तू? फ्रेंड्स इसको देखिए ऐसे ही ओढ़ता नहीं है, अभी इसने स्प्रे लगाया है, इसके पैर पे लगी है, दिखा कहाँ लगी है, नहीं लगाया स्प्रे, तो फिर ये क्यों ओढ़ के, मेरे को लगा तूने स्प्रे लगाया, दर्द हो रहा है, स्प्रे लगाती हूँ अभी, रुक जा इस पर, दिखा यहाँ पे है, यहाँ। फ्रेंड्स ये ना दो तीन पौड़ी पे से कूद गया, जो लकड़ी वाली पौड़ी है उस पे से, वो जो ऊपर छत पे चढ़ते हैं ना लकड़ी वाली पौड़ी, उस पे से ये एकदम से इसका पैर स्लिप हुआ था, ज़बरदस्ती कूदा था। ये देखो शक्ल देखो इसकी, देखो है, तू क्यों इसको मार रहा है, इनकी बस्ती देखो फ्रेंड्स, बस्ती देखो इनकी, नहीं आई पुनु, नहीं बेटा नहीं, गंदी बात। फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, ये ऐसे ऐसे काम करके आते हैं ना, कि इनको भी देखना पड़ता है और फिर घर का काम भी होता है, बाहर आने जाने का भी काम होता है। तो बच्चे इतने उद्यमी हो गए हैं, इतने ज़्यादा शरारती हो गए हैं, ये अब पता नहीं क्यों चढ़ा था, क्या नहीं, किस लिए चढ़ा था, ये गया था एक्चुअली बॉल देखने, तो बॉल देखने गया, बॉल तो थी नहीं वहाँ पे, जब ये नीचे उतरा तो इस दो तीन पौड़ी पे से ये ही कूद गया। तो अब तो इसको समझ आ जाएगी कि कूदना चाहिए कि नहीं कूदना चाहिए, चाहिए कूदना बताइयो, कूदना चाहिए। फ्रेंड्स ये बोल रहा था अभी कूदना चाहिए, बता, ये बोल रहा था अभी कूदना चाहिए, बता, ता चाहिए कूदना, चाहिए कूदना, हस्कुरा हस्कुरा हस्कुरा। फ्रेंड्स इन्होंने तो इतना जीना हराम कर रखा है ना, क्या। चलिए अब दूध ठंडा हो चुका होगा मेरे कान्हा जी का, तो मैं उनको उठाती हूँ और फिर आप भोग लगाती हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये रहे मेरे लड्डू गोपाल जी, तो सब मिलके बोलेंगे राधे राधे। ये देखिए ये है इनका आज का श्रृंगार, आप ड्रेस पे कितना अच्छा वर्क किया हुआ है, लड्डू गोपाल जी के ड्रेस पे कितना अच्छा वर्क किया हुआ है।
तो फ्रेंड्स, मेरा हॉल भी हो चुका है रेडी और मैं भी हो चुकी हूँ रेडी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, मेरा हॉल भी मैंने रेडी कर दिया है और मैं भी रेडी हो गई हूँ जाने के लिए। एक्चुअली गई थी मार्केट गई थी, उसके बाद मुझे सडनली अपनी मम्मा के घर जाना पड़ गया क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी। तो इस वजह से मेरा जो व्लॉग है वो बीच में ही रह गया है। और एक्चुअली मैं जहाँ शॉप पे गई थी वो शॉप भी एक्चुअली बंद ही थी। तो अभी फ़िलहाल तो अभी सामान जो मैंने लाना था वो मेरा अभी पेंडिंग में ही है, लेकिन जब वो सामान मैं लेके आऊँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, बस यही था मेरा छोटा सा एक व्लॉग। तो फ्रेंड्स, बस यही था मेरा एक छोटा सा व्लॉग। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड राधे राधे।